हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोगों के सामने मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो नया टॉपिक चल रहा है। क्या चल रहा है भैया? लिमिट एंड डेरिवेटिव। बहुत बेहतरीन टॉपिक चल रहा है, इसमें मैंने अभी तक 3 लेक्चर 4 लेक्चर दे चुका हूँ। आइए आज आप लोगों के सामने मैं इस लेक्चर के बाद इंट्रोडक्शन पार्ट को खत्म करता हूँ। यदि आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गई होगी तो लिमिट के हर एक क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री लिमिट क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री हम मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ अलजेब्रिक लिमिट की बातें हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जब मैं बातें करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री लिमिट की, इसकी ट्रिग्नोमेट्री लिमिट क्लियर है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स की बातें करते हैं तो यदि साइन एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन, अब देखिए इसी बेस्ड पे सभी क्वेश्चन को कराए जाएंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, साइन एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू वन, अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन, और देखिए एक्स यदि ए हो तो टेन एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू वन होगा। थोड़ी सी बातों को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यदि मेरे पास ये क्वेश्चन दिया है हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जानते हैं इसको क्या कीजिए, ऐसा है कि इसको तोड़ लिया जाए। एक्स टेंडिंग टू जीरो हमें किस फॉर्म में बनाना है? हमें इस फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो 4x/2x, यदि मैं इसमें 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाए? मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा, तो डिवाइड कर लिए और मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो चीजें आ रही हैं। सॉरी यार, यदि मैं देख रहे हैं यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे 2x है, साइन 2x। अच्छा ये बताइए 4x/2x, यानी 4x के नीचे हम 4x लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप 4x लिखेंगे तो सिंपल सी बात है कि आप 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। यहाँ पे यदि आपका साइन 2x है तो क्या होगा? 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड करना होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है बोलिए। यदि मैं ले लूं, दो चीजें यहाँ पे समझने की आप कोशिश कीजिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, साइन 4x/4x, ये देखिए 4x/4x हो जाएगा इनटू में 4x/2x इक्वल टू, क्या देख रहे हैं, 2x/sin 2x। ये देखिए ये कटेगा और आपका 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर कर लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, साइन 4x/4x, और यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x यानी 2x/sin 2x। एक चीजों की लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, एक चीजों की और ध्यान देने की बातें हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप बोलेंगे कि इसके अनुसार इसका वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू, अब देखिएगा लिमिट, ये तुरंत इसको ऐसा कीजिए ना कि कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/sin 2x/2x हो जाएगा यहाँ पे, और यानी इसकी भी वैल्यू हम अभी देखिए पिछले लेक्चर में मैं खुद ही बता रखा हूं, यदि अगर नहीं जाकर देखे हैं तो जाकर उसको देखिए और वहां से कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एक्स टेंडिंग टू यानी 2 आ गया इसका, क्लियर है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे और आइए हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चनों को अब सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं अब एक्सरसाइज की क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत दिनों तक अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिएगा, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कुछ रहेगा ही नहीं वहां पे, आपको थोड़ा थोड़ा फील तो देगा लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएंगे।
चलिए आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 13.1 बहुत बेहतरीन बेहतरीन यहाँ इसमें क्वेश्चन दे रहा है। बोल रहा है यार, पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री यानी एक्स प्लस थ्री, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाइव एक्स माइनस 22/7। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, तो यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर। ये आपके थ्री क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है तो क्या किया जाए, क्या है देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू फोर फोर एक्स प्लस एक्स माइनस टू। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, देखिए ये व्हाइट बोर्ड ही आपके लिए स्क्रीन का काम कर रहा है, क्यों है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यदि इसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लिमिट को, ठीक है, तो जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यदि मैं थ्री को सब्स्टिट्यूट करूं तो 3 + 3 इक्वल टू आंसर हो गया। देखिए बहुत इजी से और बहुत आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को फाइनली कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे यदि हम पाइप पुट करते हैं तो 25/4 आंसर, कुछ है नहीं है भैया, ये चुटकी में सॉल्व होंगे। सॉरी यार, यहाँ आर होगा, आर यहाँ पे पाई आंसर। इसमें अगर पुट करना चाहते हैं तो 4 4 × 4 + 3 4 − 2 4 4 = 16 + 3/2 यानी 19/2 आंसर। तो यार कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे लिमिट के डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने वाले क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं होते, बहुत इजी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन और बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देखिएगा करेंगे कैसे, पांचवा क्वेश्चन, हाँ जी फाइव क्वेश्चन, देखिए फाइव क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 x/10 x/5 + 1 x-1। यहाँ पे देखिए दो बातें क्लियर हो रही हैं, क्या क्या क्लियर हो रही है भैया, यहाँ पे यदि मैं x की जगह पे डायरेक्ट यदि पुट करूं -1 तो यहाँ पे कितना होगा 10। देखिए यदि आप इसको 10 बार पुट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, 1 -1 और -1, ये आपका कट जाएगा यानी -1/2 आंसर इज कमिंग। क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है आपका छठवां क्वेश्चन क्या है देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे भी बोल रहा है, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया हूँ, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन ले लेकर यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया हूँ, जाकर अभी फिर से वहां पे देखिए। और देखिए मैं लिमिट्स को इतना डीपली क्यों पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का रीजन ये है कि जब आप इसको डीपली समझोगे तबे जो नेक्स्ट क्लास 12th है उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मजे का चलाएंगे और पढ़ने के फील कुछ अलग होगा।
क्योंकि जब आप लिमिट और यहाँ पे डेरिवेटिव की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूटी की बात होगी, डिफरेंशिएबिलिटी की बातें होंगी, यानी जस्ट लाइक इसके आगे जब जब आप बढ़ते जाओगे बहुत मजा आता है यार इसमें फील के साथ में। यहाँ पे देख रहे हो आपकी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ देखिए आप इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्मूले के फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है? चलो यहाँ पे माइनस वन और वन का पावर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे वही होगा। अच्छा ये बताइए कि इसमें हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलिए कर सकते। ऐसा है कि इसको हम 1 प्लस एक्स माइनस वन तो लिख सकते हैं, 1 प्लस जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं कोई दिक्कत भी नहीं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लिख लो 1 प्लस एक्स के पावर 5, 1 का पावर 5, यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस वन, और यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा एकदम थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है x की। अच्छा यहाँ पे बताइए इस फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। और जब इस फॉर्म में बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट पुट कर दीजिए, n आपका कितना है, तो n बोलेंगे कि सर n तो 5 है, a कितना है, तो ये बोलेंगे कि 1x प्लस 5, n आपका कितना है 5 माइनस 1 है सर, तो 5 1 प्लस एक्स यहाँ पे कितना आ जा रहा है 1 प्लस 4 और 4 हाँ, और x की जगह पे 0 भी तो पुट कर लो 4, तो क्या आ गया 1 की पावर 4, तो कितना होगा 5 ही तो होगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा तब, यही आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं फैक्टर फैक्टर करने के लिए। देख रहे होंगे कि जो आपका सातवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x स्क्वायर माइनस x बाय माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है क्लियर है कि नहीं बोलिए। अब आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x पावर 4 माइनस 81, आइए ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है क्लियर है कि नहीं बोलिए। ये देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम फैक्टर मेथड भी बताए थे आप लोग, ठीक है फैक्टराइजेशन मेथड, हम इसे अब फैक्टराइज करेंगे। सातवां क्वेश्चन आपका ये 7 नंबर क्लियर है, 3x स्क्वायर आ जाए, चलिए ठीक है। अच्छा हम इसको करेंगे कैसे, आइए ये समझते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है इसको आप फैक्टराइज कर लो भाई, 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे सॉरी 30 आना चाहिए, और 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5x माइनस 10 होगा कि नहीं होगा, और माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस 10, 3x कॉमन ले लो x माइनस 2 हो जाएगा, 5 कॉमन ले लो x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 और 3x प्लस 5, इसी को आप यहाँ पे रख दीजिए x माइनस 2 और 3x प्लस 5 बाय,
ये देखिए आपका कितना होगा स्क्वायर वाला फॉर्म में है तो यहाँ पे x माइनस टू, यहाँ पे x प्लस टू, एक आपका यहाँ से कट रहा है तो लिमिट x टेंडिंग टू टू ये वाला कट जाएगा टर्म आपका, बच क्या रहा है x 3x प्लस 5 और x प्लस 2। क्लियर है कि नहीं बोलिए। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर क्लियर है कि नहीं बोलिए। बहुत आसानी से सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। देखिए हम इसीलिए यहाँ पे हम डीपली इसको समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं। कहाँ गया भाई मार्कर? इसीलिए आप लोग को डीपली हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप लोग को अच्छे से समझ में। यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसको हम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे, 3 टू जा 6 और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 होगा, तभी तो 5 आएगा जी, क्यों अंदर माइनस भी मल्टीप्लाई कर लेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप लोग अब छोटे बच्चे नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको भी तोड़ लीजिए स्क्वायर वाला फॉर्म पर, फॉर्मूले में 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3। यहाँ पे इसको यह भी स्क्वायर फॉर्म में टूट रहा है, इसको भी तोड़ लीजिए, x माइनस 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे 3x कॉमन हो जाएगा, क्या बच रहा है 2x प्लस 1। क्लियर है? ये दोनों कट रहा है, बच क्या रहा भैया x प्लस 3। क्लियर है? हाँ, अब वैल्यू को पुट कर लीजिए, 3 प्लस 3, 3 3 जो 9 प्लस 9 क्या होगा, ओहो ओहो ओहो, नीचे वाला टर्म तो आपका कट गया है तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या बचा है 2, तो यानी 6 प्लस 1 यानी 6 इंटू 18 बाई 7, ठीक है, ये कितना होता है भैया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बोलिए। चलिए यहां तक हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व किए एक, हाँ और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो और आसान है, 9 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस b और cx प्लस, अच्छा ये बताइए x की जगह या फिर 0 पुट कर देंगे तो b बचेगा ना, खत्म हो गया, और क्या करना है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहें और प्रैक्टिस करने से पीछे ना हटें, क्योंकि मैथ जान ही रहे, मैथ का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। हाँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।